हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि संबंधित है महासमुंद ज़िले के ट्रांसफ़र ऑर्डर से। तो फाइनली महासमुंद के कलेक्टर द्वारा शिक्षकों का जिनका जिला स्तर पर ही ट्रांसफ़र होना है उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो इस प्रकार से जिसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रधान पाठक सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का आदेश जारी किए गए हैं। और आदेश जारी करने के पश्चात उनको संबंधित स्कूल में 7 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका आदेश निरस्त तो नहीं होगा लेकिन उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही साथ 7 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें स्वयं भार मुक्त माना जाएगा एवं उनका वेतन वर्तमान पद अपने स्थान से हरित नहीं किया जाएगा तथा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश महासमुंद कलेक्टर के द्वारा निकाला गया है, जो कि महासमुंद से 9/9/2022 के डेट पे निकला हुआ है, जिसमें कुल 33+1 शिक्षक सहायक शिक्षक एवं प्रधान पाठक 33+1+1 इस प्रकार 35 टोटल प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला करके टोटल 35 लोगों का ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार से है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसका ट्रांसफ़र किस स्कूल से किस स्कूल हुआ है। और ये सभी ट्रांसफ़र लगभग स्वयं के व्यय पर है, कुछ जो है प्रशासनिक व्यय पर है जिनका ट्रांसफ़र प्रशासनिक किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसी प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के नए सोच के साथ। सब्सक्राइब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। इसमें कुछ और सहायक शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जो इस प्रकार से है, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किसका स्थानांतरण किस स्कूल से किस स्कूल में हुआ है। इन सभी का स्थानांतरण जिला हुआ है, उसी ज़िले में हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें।